तो अभी मछलियों को हम खाना खिला रहे हैं। इतनी सारी मछलियाँ यहाँ पे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लॉजिस्टिक फिजिक्स। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये बुद्ध विहार का मंदिर है, बहुत बड़ा, तो वह की मूर्ति है। तो वहाँ जा रहे हैं। तो वैसे तो हमारा ग्रुप 7 लोगों का था, लेकिन अभी हम बस 3 हैं, बाकी की तबीयत खराब हो गई तो वो उधर ही बैठे हैं। तो हम अभी निकल पड़े, हम यहाँ से लगभग वो 2 किलोमीटर के दूसरी दूरी पर है, तो वही हम जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, पैदल रहना पे बोलो। हाँ, पैदल रहना पे। ऑटो तो अभी गया, पर बजट नहीं है फिलहाल हमारा। 50 रुपये एक का ले रहा है, पर बस 2 किलोमीटर की दूरी है, तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। अभी माँ बम्लेश्वर का दर्शन तो हो गया। वो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ थंबनेल है उसका, तो आप देख लेना वो ब्लॉग। सो अभी चलते हैं, क्या क्या मिलता है रास्ते पे देखते हैं। एंड फिर वहाँ पे गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, ऐसा बोला है वो लोगों ने, तो हम बस जाके देख रहे हैं वहाँ पे। सो लेट्स गो। ये ऑटो की तो वाट लग चुकी है चक्का पूरा बंजर पड़ा है ये तो। सो गाइस बेसिकली हमें यहाँ जाना है, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है, ये देखो, तो यहाँ हमें जाना है। और अभी हम ये रास्ते पे, एंड पैर भी बहुत थक चुके हैं क्योंकि अभी जस्ट हम मतलब माँ बम्लेश्वरी माता का दर्शन करके आए हैं। तो 1600 फीट हम चढ़े हैं, एंड अभी वहाँ से उतरे भी और दूसरी जगह पे भी गए थे, बहुत 2-3 जगह गए, एंड उसके बाद अभी यहाँ जा रहे हैं। तो पैरों की वाट लग चुकी है, लेकिन फिर भी यार जाना तो पड़ेगा, अभी आए हैं तो बार बार तो आना होता नहीं, क्योंकि एक ही बार आना है, तो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि वहाँ पे वो पत्थर ऐसा रखा किसने, छोटा सा वो देखो, वो ऐसा रखा किसने एंड वो गिरता क्यों नहीं? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। 2000 years later बहुत ज्यादा चल के हम पहुंच गए यहाँ पे। तो ये बैक साइड है यहाँ का, तो अभी इतना चल के हालत थोड़ी टाइट हो गई क्या बोल रहा हूँ वो भी नहीं समझ रहा है मुझे। तो अभी यहाँ पे सभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद, इसलिए सब नया नया है यहाँ पे, एंड ये लोग काम कर ही रहे अभी। अच्छा ठीक है। सो गाइस ये रही मूर्ति गौतम बुद्ध जी की। सो गाइस सही में बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही बड़ी है, तो चलो आपको दिखाता हूँ। सो ये है गाइस मूर्ति। कैसा लग रहा है आके फिर? बहुत मजा आ रहा है एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा। सो गाइस फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस हमारे दोस्तों के पास। जो कि भाई बहुत हार्ड टाइट है, बहुत हार्ड लग गई, लेकिन मजा आया वहाँ पे, मजा आया वहाँ पे। अगर किसी को अपने हाथ पर दुकाना हो तो हमसे सीखो जरा। तो गाइस अभी हम आए बादाम शेक पीने, पानी पानी आए, आ जाओ गाइस, लस्सी पी लो, रबड़ी शेक, रबड़ी शेक, बादाम शेक, पूजा गए। तो अभी हम आए कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पे, मैं तो बहुत थक गया, भैया ले रहे हैं पूरा सामान, वो भैया भी थक गया, बहुत बहुत थक गया। तो अभी ये पता नहीं कितना टाइम लगा दे, तो अच्छे लोग का दुर्गा देवांगन, दुर्गा देवांगन पूरे पैसे खत्म। सो फाइनली इतना सामान हमने ले लिया है, कड़ा है इसमें एंड कुछ कुमकुम है, एंड मेरे भांजी के लिए ये वाला, एंड एक फोटो है, तो इतना सामान ले लिया फाइनली। तो अभी मछलियों को हम खाना खिला रहे हैं, आई डोंट नो आपको दिख रही है भाई, खा ले मैं तो, क्या बात है, खाओ खाओ, चलो खाओ आओ गरीबो आओ।
बी 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 भाई भाई आओ गरीब आओ अब वीडियो बना वीडियो बना अब वीडियोज बनाता रहे तो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ये इतनी सारी मछलियां यहाँ पे तो गाइस अभी हम इतना सब कुछ करके आए इतना माल बचा है हमारे पास मछली उठाने वाले हम ये तो हम इतना सब कुछ करके आए आवा घूम के आए और ये लोग अभी भी सोए हैं ये देखो वो वहाँ पे सोए ही है वो लोग ये वो लोग बहुत पछताने वाले हैं ब्लॉग देखने के बाद क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया आज मतलब अभी इसके बिन के बिना चल झूठा नहीं किया क्या भाई बोल भाई बोल भाई बोल एंजॉय बोल एंजॉय एक नंबर था भाई एक नंबर मजा है मजा है मजा आ गया पूरा माचो माचो जिंदगी पूरी मजा उठा ले सो दैट इज इट फॉर टुडे आई होप आप सब लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक करो एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करो सब मिक्स हो गया कुछ समझ नहीं होगा सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय